हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 28 जून और 28 जून को आपका SSC CPSI का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जैसे 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते हैं वो मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे जिनका कल है या CHSL का एग्ज़ाम है, उनको यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ है जो कि मिलेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था, वो पूछा गया था कि 2022 तक सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ठीक है, तो सबसे लंबी सुरंग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ठीक है अटल सुरंग, अभी हाल ही में बना है नया। ठीक है, जो कि अभी भारत का सबसे लंबा सुरंग है। 2022 तक की बात करें या अभी प्रेजेंट समय तक की बात करें तो अटल सुरंग ही इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो सुरंग है मनाली को लेह से जोड़ता है, ये दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग है। ठीक है, जिसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अटल सुरंग होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक सदस्य की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका देवेंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की बात करेंगे तो 1839 में कलकत्ता में किया गया था। किनके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति और राजा राम मोहन राय के विचार का प्रसार करना था, प्रचार प्रसार करना था। इसके अलावा बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी सभा के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। आपसे इसका लैंग्वेज पूछा जा सकता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका का भाषा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका बंगाली होगा। इसके अलावा ईश्वरचंद विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक ब्रह्म समाज में शामिल हुए, और तत्वबोधिनी सभा 1859 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में मिला दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर अभी आप लोग को मालूम होगा कि SSC फेज 12 का जो एग्ज़ाम है अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसमें तकरीबन आपका 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 5 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 4-4 शिफ्टों में। ठीक है, तो उन एग्ज़ामों में पूछे गए जीके जिस के प्रश्नों का एक PDF लेने जाते हैं, जो कि लगभग 300 प्रश्नों का यहाँ पर 200 लिखा गया, लेकिन नहीं 300 प्लस प्रश्नों का PDF है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप SSC CPU का एग्ज़ाम देख रहे होंगे, तो ज़्यादातर जो प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स चाहिए आपको सवाल जो देखने को मिल रहा है। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ठीक है, तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया कि दलखाई जो नर्त है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो दलखाई नृत्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा का दलखाई नृत्य आम तौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से जिले से हुआ है, तो संबलपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और दलखाई संबलपुर के आदिवासी के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूपों में से एक है। इसके अलावा ये आमतौर पर दशहरा, भाई जितिया, फागु पुनी, नुआखाई आदि त्यौहारों पर किया जाता है, तो नुआखाई भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा कि नुआखाई जो त्यौहार है आपका कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर आपका नुआखाई उड़ीसा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा इस नृत्य रूप का मुख्य विषय राधा और कृष्ण, रामायण और महाभारत है। ठीक है, अगला है कि देवना पिये प्रदर्शी यानी कि देवों का पेड़ा प्यारा के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अशोक मोरे हो जाएगा। ठीक है, अशोक मोरे को देवना पिये प्रदर्शी यानी कि देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अशोक ने स्वयं देवना पिये प्रदर्शी की उपाधि धारण की है। इसके अलावा देवना पिये का अर्थ होता है देवताओं का प्यारा, प्रदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर। इसके अलावा ये जो अशोक हैं आपका मौर्य समाज से संबंधित था, मौर्य समाज का ये 3रा शासक था, और मौर्य समाज का जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, यानी कि मौर्य समाज से पहले नंद साम्राज्य का शासन हुआ करता था मगध पर, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद समाज का जो अंतिम राजा था धनानंद उसको हरा कर मौर्य समाज का स्थापना किया था। इसके अलावा जो बिंदुसार है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका मगध का जो सम्राट बना था या मौर्य वंश का जो शासक बना था अगला, वो बिंदुसार बना था, और बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जाना जाता है। तो तेलुगु अनुवादों की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका नयन और टिक्कन इसका राइट आंसर होगा। नयन और टिक्कन इसका राइट आंसर होगा। महाभारत का जो तेलुगु अनुवादकार है नयन ने प्रारंभ किया था जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन तथा 14वीं शताब्दी में यन के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, तो नयन और टिक्कन ही आपके ऑप्शन में होगा, पहले भी प्रश्न है जो कि पूछा गया है। अगला है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद में है। तो ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया था। ठीक है,
फेज 12 में पूछा गया होगा, नहीं तो सीपीयू के फर्स्ट डे ही पूछा गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 153 होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है उसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, और इसमें ही कहा गया है कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 195 होगा। अनुच्छेद 195 की बात करते हैं तो सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे जो समय समय पर राज्य के विधानमंडल के द्वारा कानून के द्वारा आपका निर्धारित किया जा सकता है। जब तक इस संबंध में प्रावधान किया गया है, वेतन और भत्ते ऐसी दरों पर है, ऐसी शर्तों पर जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संबंधित प्रांत विधान प्रक्रिया की विधानसभा के सदस्यों के मामले में लागू था। ठीक है, तो अनुच्छेद पूछा गया था तो राइट आंसर 195 होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में किसे भीमराव अम्बेडकर ने आदर्श विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि DPSP को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, तो आदर्श विशेषताओं के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे वर्णित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, इसको भी याद रखिएगा। और ये संविधान सभा की मसौदा जो समिति थी उसके आपके अध्यक्ष थे। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना है जो कि क्या था, जो शिक्षा और संस्कृति को दलितों के बीच फैलाने के लिए समर्पित था। इसके अलावा उन्होंने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, तो लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसके अलावा 1936 में बाला साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। अगला है कि जोक जो है आपका किस संघ से संबंधित है, तो जोक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर एनेलिडा संघ होगा। ठीक है, जोक आपका एनेलिडा संघ से संबंधित है यानी कि एनेलिडा फाइलम से संबंधित है। ठीक है, संघ और समुदाय के कुछ प्रमुख उदाहरण को देखें तो यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ संघ से आपका अमीबा संबंधित है, यूरिना है, इसके अलावा पेरामिशियम है, प्लाज्मोडियम है, पेरीफेरा संघ से आपका ल्यूकोसोलिनिया है, साइकान है, इसके अलावा स्पंजिला है, इसके अलावा इपोलेक्टला है, इसके अलावा सिलेंट्रेटा से आपका फाइसेलिया हाइड्रा है, जेलीफिश से संबंधित, इसके अलावा प्लेटी हेलमी नथिस फ्लुक से आपका पलेनेरिया है, पिट्टाक्रीमी है, लीवर है, इसके अलावा इसके हेलमिनथिस से आपका निमोटोड है। ठीक है, इसके अलावा एनलिडा से आपका केचुआ हो गया, जोक हो गया और नेरिस हो गया, आर्थ्रोपोडा संघ से आपका तिलचट्टा बिच्छू है, मोलस्का संघ से आपका घोंगा हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, इसके अलावा ऑक्टोपस हो जाएगा, इसके अलावा इकाइनो डोरमेटा संघ से आपका सितारा हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। काटोटा संघ से आपका मनुष्य हो जाएंगे, मेढक हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा, मछली हो जाएगा, चूहा, बंदर आदि, ये आपका काटोटा संघ से संबंधित है। ठीक है, इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी जब PDF आएगा तो वहाँ से भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो सुनंदा नायर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका मोहिनीअट्टम होना है। मोहिनीअट्टम से संबंधित है आपकी सुनंदा नायर, और मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मंत्र मुग्ध कराने वाला नृत्य करने वाला नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है जिसे 19वीं शताब्दी में वडी वेलू द्वारा विकसित किया गया था और त्रावणकोर के शासक के तहत प्रमुखता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है, लेकिन इसमें पेड़ की थाप का अभाव होता है और इसका फुटवर्क कोमल होता है। सुनंदा नायर आपका मोहिनीअट्टम नृत्य से ही संबंधित है, और मोहिनीअट्टम आपका केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है। जब आपसे महिला श्रमिकों का प्रतिशत पूछा गया था उसमें हमने आपको पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत भी बताया था। ठीक है, तो आशा करते हैं जो लोग भी वीडियो देख कर गए होंगे वो क्वेश्चन सही करके आए होंगे। तो पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत आपका 53.26% है, वहीं पर महिला श्रमिक की बात करते हैं तो 25.51% है। ठीक है, और देश में जो कुल कार्यरत जनसंख्या है वो आपका 39.79% है, उसमें से ही आपका 53.26% पुरुष श्रमिक है यानी कि काम करने वाला है, और महिला 25.51 है। ठीक है, इसके अलावा जो पिछला सर्वेक्षण है आपका 2011-12 के दौरान किया गया था, कुल कार्यबल यानी कि कार्यबल लोगों की संख्या 47.41 करोड़ है, जिसमें से 33.69 करोड़ ग्रामीण श्रमिकों और 13.72 करोड़ सरी श्रमिक हैं। ठीक है,
इसके अलावा हालांकि कृषि क्षेत्र जो कि किसान और खेतियान मजदूरों से संबंधित है में संलग्न कार्यबल की हिस्सेदारी 2001 में 58.2% से घटकर 2011 में 54.6% रह गई है। ठीक है, तो ये सभी को भी आप लोग माइंड में रखना है। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्यंत्र से संबंधित हैं? तो अभी आपसे वाद्यंत्र नहीं पूछा गया था, अभी आपसे पूछा गया था पंडित शिव कुमार शर्मा का पैलेस पूछा गया था कि किस शहर से या किस राज्य से संबंधित। ठीक है, तो हमने जब जब भी पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में बताया है तब तब हमने आपको इनका राज्य भी बताया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो पहली बात तो वाद्यंत्र आपका संतूर होगा, लेकिन इनका जो जन्म है आपका 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर होना है। वो एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति हैं जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत में मुख्य रूप से साज और स्थापत्य कला विशिष्ट समूह से उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एकल भूमिका के लिए वाद्य को परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय कला क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वीकृति के लिए उन्होंने अकेले ही अपने लोकवाद को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? हालांकि आपसे स्थापना कब का नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कृषि मूल्य आयोग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है आप लोग ऑप्शन में बताइएगा कि क्या क्या आपके ऑप्शन में दिया गया था। बात करते हैं हम लोग कृषि मूल्य आयोग की, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया था जनवरी माह में। 1985 में इसे कृषि लागत मूल्य आयोग के रूप में जाना जाता है, यानी कि वर्तमान में बात करेंगे तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है, एक सदस्य सरकारी और 2 सदस्य गैर सरकारी शामिल है। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ उनका सक्रिय जुड़ाव होता है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की सिफारिश करना अनिवार्य है और अभी तक CACP 23 वस्तुओं की MSP की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है और आपका 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल है। ठीक है, तो आशा करते हैं जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपको पूरा हो गया होगा। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आपके भरत मुनि, तो इसका राइट आंसर आपका भरत मुनि होगा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ ही भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे, जिनका काल 400 ईस्वी पूर्व के निकट माना जाता है। और भरतनाट्यम जो है एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम का जिक्र भी आपका इसी नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगला है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले यानी कि प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ठीक है, ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर MS सुब्बलक्ष्मी हो जाएगा, जिनका पूरा नाम मधुरेश सन्मुख व दिबू सुब्बलक्ष्मी है। ठीक है, इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को होता है, मृत्यु 11 दिसंबर 2004 को होता है। मधुरे तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। कब सम्मानित किया गया था? 1998 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया, 2001 में बिस्मिल्ला खां को सम्मानित किया गया, 2001 में ही सुश्री लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2009 में आपका पंडित भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2019 में आपका भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया। ये सभी आपके संगीतकार ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बृजभूषण काबरा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका गिटार होगा। बृजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। वह भारतीय शास्त्रीय गिटार के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने इस वाद्यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत से परिचित कराया। उन्होंने गिटार बजाने की एक नई शैली बनाई, जिसमें स्लाइड के साथ बजाना भी शामिल था, जो कि भारतीय वाद्यंत्र सितार को बजाने में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के समान थी। इसके अलावा काबरा का यानी कि बृजभूषण काबरा का प्रसिद्ध एल्बम था कॉल ऑफ दी वैली, जिससे उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद सोसिया के साथ रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत पर कॉफ़ी और चाय का उत्पादन होता है? जिसमें से ऑप्शन आपका नीलगिरी का पहाड़ी दिया गया था, जो कि 100% आपका राइट आंसर है। जो पर्वत जो आपका कॉफ़ी और चाय का उत्पादन है आपका पर्वत पर ही होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका नीलगिरी दिया गया था, तो इसका राइट आंसर नीलगिरी था। इन फसलों की खेती के लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ की आवश्यकता होती हैं और वह केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर ही प्राप्त होता है। इस कारण इसका जो उत्पादन है कॉफ़ी और चाय का यह पहाड़ी पर होता है और पहाड़ी का नाम नीलगिरी दिया गया था, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा इनकी वृद्धि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त होता है जहाँ बादलों के अवरोध उत्पन्न होने के कारण भारी वर्षा होता है। इसके अलावा जल भराव नहीं वहाँ पर होना चाहिए, तभी इस चाय कॉफ़ी का उत्पादन होगा और पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इन वृक्षारोपण के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, तो मिट्टी का भी नाम याद रखिएगा, जो कि सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इन फसलों को बिना जल जमाव के नम स्थिति में अपने जड़ें जमाने की आवश्यकता होती है। केवल यह कारक ही नहीं
पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न जलवायु कारक भी बगान फसलों की वृद्धि का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो देखिए, गंगा तो निकलती है, यमुना भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलता है और आपका सिंधु भी निकलता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कौन सा नदी दिया गया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हिमालय की जो अधिकतर जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, वह आपका बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, लेकिन इसमें से एक मुख्य नदी है सिंधु, जो कि अरब सागर में अपना पानी गिराती है। इसके अलावा हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो आपका बारहमासी होता है, यानी कि बारह मास आपका हिमालय की नदी में जो भी हिमालय से निकलता है उसमें पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लू है जो कि किस ऋतु की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर गर्मी हो जाएगा। लू की बात करेंगे तो ये आपका एक स्थानीय पवन है जो भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में चलती है। भारत की बात करेंगे तो मुख्य तौर पर उत्तर भारत, ठीक है। और इसके अलावा इस जब लू चलता है तो तापमान हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, इससे लोगों को लू लग सकती है, ठीक है। ये जो लू है आमतौर पर मई जून के महीनों पर चलता है। दोपहर में पश्चिम से बहुत गर्म और शुष्क पवन चलती है। अगला है कि प्रकाश पर्व किस त्यौहार को कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश पर्व की बात करेंगे तो दो त्यौहारों को कहते हैं। एक तो हम लोग दिवाली को कहते हैं, हालांकि आपसे दिवाली वाला ही प्रकाश पर्व पूछा गया था, किसे प्रकाशों का पर्व कहते हैं, तो दिवाली इसका राइट आंसर होगा। एक प्रकाश पर्व आपका सिख धर्म में भी होता है, ठीक है। सिख धर्म में प्रकाश पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन को जयंती या जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को याद करते हैं। इसके अलावा प्रकाश पर्व है जो कि सिख धर्म के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के जन्मदिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो एक प्रकाश पर्व तो ये हो गया, लेकिन प्रकाशों का पर्व कहा जाता पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दिवाली था, तो जो कि आगे है प्रश्न है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर सर दोराबजी टाटा हो जाएगा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IOA कहते हैं, ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने वाला निकाय है। यह आयोजन में भारतीय टीमों का प्रबंधन भी करता है। इसका गठन 1927 में किया गया था। आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसके पहले अध्यक्ष थे आपके सर दोराबजी टाटा थे। और पीटी ऊषा की बात करेंगे तो वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, और पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि मुंबई से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं? तो मुंबई से और गोवा के बीच के तट को हम लोग कोंकण के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर कोंकण होगा। इसके अलावा कच्छ और काठियावाड़ तट की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। और केंद्रीय खंड को कन्नड़ मैदान की बात करेंगे तो मड़मगांव से बेंगलोर को कहा जाता है। दक्षिणी खंड को मालाबार तट की बात करेंगे तो केरल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको मैप भी दिया गया है काठियावाड़ कोट का, जो कि आपका गुजरात में है, कोंकण कोट का, जो कि मुंबई से लेकर गोवा तक के कोट को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण कोट कहते हैं। कन्नड़ कोट की बात करते हैं तो जो कन्नड़ कोट है मड़मगांव से लेकर बेंगलोर तक का कहते हैं। ये आपका कन्याकुमारी कोट है। यह आपका कोरोमंडल कोस्ट है जो कि तमिलनाडु को चेन्नई से जोड़ते चेन्नई के क्षेत्रों को कहते हैं। यह आपका आंध्रा कोस्ट है। यह आपका उत्कल कोस्ट आपका उड़ीसा में है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल जो कि किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो भारत का जो 35वां जो राष्ट्रीय खेल है वो आयोजित किया गया था 2015 में, तो इसका राइट आंसर आपका 2015 होगा। इसके अलावा 35वां राष्ट्रीय खेल केरल के 7 जिलों में आयोजित किया गया था, ठीक है, 2015 में। 31 जनवरी 2015 से लेकर 14 फरवरी 2015 तक केरल ने दूसरी बार इस खेल की मेजबानी की है। उद्घाटन समारोह 31 जनवरी 2015 को ग्रीनफील्ड स्टेडियम में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह का पूर्व केंद्रीय श्री मंत्री विकास श्री वेंकैया नायडू ने किया था। और पूर्व क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर को सद्भावना राजदूत के रूप में भी चुना गया था। अगला है कि सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था? तो धर्म निरपेक्ष जो आपका है वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। धर्म निरपेक्ष का अर्थ है सरकार और धार्मिक समूह के बीच का संबंध संविधान और कानून के द्वारा परिभाषित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत एक्चुअली 3 शब्द जोड़े गए थे, एक आपका समाजवादी, दूसरा धर्म निरपेक्ष और तीसरा आपका अखंडता, ठीक है। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात हमारे देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है। अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा गया था। 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, सबको क्रम में लगाना था, तो उतना तो अभी नहीं मिला है, क्लियर नहीं हो पाया है कि एक्चुअल में क्या क्या आपके ऑप्शन में दिए गए थे। लेकिन सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात करेंगे तो लेह इसका राइट आंसर होगा, जो कि जम्मू यूपी में है। जबकि पृथ्वी पर सबसे शुष्क क्षेत्र पेरू और चिल्ली के अटाकामा रेगिस्तान के भीतर लेह के बाद जैसलमेर की वर्षा होती है, तो लेह दिया गया होगा, तो लेह के बाद जैसलमेर को उसको राइट आंसर कीजिएगा, ठीक है। बाड़मेर होगा, बीकानेर होगा, जम्मू कश्मीर लेह सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा।
अगला है कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आपका हरित क्रांति का उद्देश्य था। 1960 और 70 के दशक के दौरान यह आपका क्रांति हुआ था। इस क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों विशेष रूप से गेहूँ और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था। ठीक है, जो भी आप एक ऑप्शन दिया जाएगा उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। बाकी हरित क्रांति के जनक के रूप में आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ओवरऑल पूरे विश्व की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से था। ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध उर्वरक से था। काली क्रांति पेट्रोलियम से। भूरा क्रांति चमड़ा या कोको से। नीली क्रांति मछली से। रजत अंडा से। स्वर्णिम बागवानी सहज से। गोल्डन फाइबर जूट से। लाल क्रांति मांस टमाटर से। पीली क्रांति तेलन से। गुलाबी प्याज झींगा से। फाइबर कपास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है, तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 368 होगा। भारत का संविधान एक विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया प्रदान करता है जो अनुच्छेद 368 जिसे संविधान के द्वारा संशोधित किया गया है। ये जो प्रक्रिया है संशोधन का, यह आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसको भी याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका भारत का कल फाइनल है T20 वर्ल्ड कप का, तो ये भी आपको याद रखना है। फाइनल किसके किसके बीच हुआ था, जीतेगा कौन, उसको भी याद रखना है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में निर्धारित है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान की पवित्रता सुनिश्चित करती है। भारत की संसद की मनमानी शक्ति को नियंत्रित रखती है। संशोधन के तीन तरीके हैं, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, संसद के बहुमत से विशेष बहुमत से संशोधन और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनौज का युद्ध शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था, तो यह आपका हुमायूं के बीच हुआ था 1540 ईस्वी में। कनौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हुमायूं को शेर शाह ने हरा दिया था और उसे भागना पड़ा था, तो इसको भी याद रखिएगा। हुमायूं था जो कि बाबर का पुत्र था। हुमायूं के मरने के बाद 1530 में राजगद्दी है जो कि संभाली थी। हुमायूं का पहला अभियान आपका कलिंजर का और कलिंजर था। और कनौज के युद्ध से पहले 1539 में आपका जो शेर शाह सूरी हुमायूं है एक बार और लड़ा था चौसा के युद्ध में, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दिवाली होगा। दिवाली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। इसके अलावा पौराणिक अनुसूतियों के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इन दिन अयोध्या वापस आए थे। उसी के उपलक्ष्य में नगरवासियों ने दीपों को जलाकर उनका विशेष स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1902 में किसने कहा कि भारत पर लोगों की समृद्धि के लिए शासन नहीं किया गया है बल्कि उसके नेताओं के लाभों के लिए शासन किया गया है और उसके बेटों के साथ एक विविध जाति के रूप में व्यवहार किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट नहीं कहा था, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया था और जाति और बाल विवाह पर हमला किया और भारतीय शिक्षा के लिए प्रभावी ढंग से काम किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एक दो और क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि मुद्रा लोन में आपका जो सिडबी है कितना प्रतिशत लोन प्रदान करता है, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि मिला नहीं। क्या पूछा गया था, छोड़िए, जो मिलेगा हम लोग उसको PDF में दे देंगे, बाकी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।